अबे यार मैंने जितना ना हम लोगों को एक रियलिटी शो करना चाहिए, बाकी छोड़ो, आई थिंक वो अच्छा होगा। सिद्रा ये ओके? पता नहीं क्यों मेरी जिंदगी में ना आंसू पोंछने रह गया है और कुछ नहीं है। व्हाट हैपेंड? आओ ये पकड़ो, एक माइक दे दे यार, ये ले दे दो। सिद्रा ये ओके? ऑलराइट 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 बेटा, बस 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 बस, रिलैक्स रिलैक्स। ओके सिद्रा, इट्स ओके इट्स ओके, कम ऑन नाउ, सीरियसली कम ऑन, कम ऑन बेटा, बस 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 बस, इट्स ओके इट्स ओके, डोंट। अच्छा हट जा हट जा हट जा। सिद्रा चलो चलो, गिव द माइक, इधर भी माइक लो, माइक लो, लुक एट मी, ऊपर इतना सेंट ही नहीं कर यार, क्या हो गया? इधर सामने जी सर। अच्छा हाउ ओल्ड आर यू? 20 20 लुक अप। सो सर मैंने अपने पापा को कभी नहीं देखा। कम ऑन ना बेटा, कम ऑन कम ऑन कम ऑन बेटा, इट्स ओके इट्स ओके। तो वो जो टॉपिक था, बाकी जिन लड़कियों के पापा नहीं होते, लोग उनको बॉडी में मोटिवेट करते हैं। बैठो बैठ जाओ। इधर आओ इधर इधर आओ। शाबाश, बस ऐसे नहीं रोते बच्चे, ऐसे नहीं रोते। तुम्हारे वालिद नहीं ना? अभी सामने देखो, और जब मैं बोल रहा हूँ मेरे पीछे बोलना, बोलोगी? ओके माइक में। आज के बाद, आज के बाद मुझे डीमोटिवेट नहीं करना, मुझे डीमोटिवेट नहीं करना, क्योंकि क्योंकि मैं साहिर भाई की, मैं साहिर भाई की, साहिर भाई की बहन हूँ, साहिर भाई की बहन हूँ। बेटा नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं बच्चे, बस हो गया। और आँख में आँख डाल के दुनिया में कोई किसी को डिमोटिवेट नहीं कर सकता, ठीक है? और आज के बाद आई एम टेलिंग यू, आई एम गिविंग यू माई वर्ड्स, इधर इधर ब्रदर एंड सिस्टर्स, पक्का? अभी सही है? और अगर किसी को बनना बहन तो प्लीज, आई एम राइट हियर, आई कैन सिट सिट सिट। क्या सर भाई? लिसन आई हैव गॉट अ डॉटर, थोड़ा सुन लो यार, थोड़ा सुन लो यार, सुन लो। आज मैं सबसे पर्सनल बात पूरी दुनिया से शेयर कर रहा हूँ। आई हैव गॉट अ डॉटर, 6 साल की मेरी बेटी। मुझे दुनिया में उससे बेहतर कोई नहीं लगता। वो प्रीमी थी 7.5 महीने की, जब उसे मैंने अपने हाथों में लिया था तो उसका वेट जो था वो 2.5 pounds था। शी वॉज दिस स्मॉल। उसके सर पे स्कैब्स थे जो हो गए थे बाद में, जिनको कभी कभी ऐसे में हाथ लगाता था उतरते थे तो दिल में तकलीफ होती थी। सो अंडरस्टैंड दिस, रिस्पेक्ट डॉटर्स, रिस्पेक्ट वुमेन, दैट्स ऑल वी हैव। लिसन ऑल ऑफ दीज पीपल, जो तुमको टॉन्ट करते हैं वो तुमको टॉन्ट नहीं करते। गौर से सुनो मेरी बात, मुझे इन बच्चों पर इतना ही भरोसा है जितना अपने आप पे। ये तुम्हारे लिए वो सब कुछ करे कर सकते हैं और करेंगे जो भाई करता है। सो कंसिडर अस योर फैमिली। सर यहाँ पर जो लोग हैं ये हम लोग
लोग फैमिली की तरह ही हैं, चाहे यहाँ पर हैं या यहाँ पर हैं, वो फन में लेती हूँ मैं। मुझे रियल लाइफ में जब मैं फर्स्ट टाइम निकली थी घर से बाहर काम करने के लिए, क्योंकि मेरे घर में और कोई नहीं था, मैं अकेली अपने घर को काम करने के लिए निकली थी, तो उस वक्त जो सोसाइटी ने मेरे साथ किया था वो चीज़ मुझसे नहीं भुलाई जाती, और वो चीज़ आज तक मेरे दिल पर लगी हुई है। और आज भी लोगों की मैं इस तरह की जब बातें सुनती हूँ उल्टी सीधी, तो मैं अपनी मामा को तकलीफ़ में नहीं देख सकती, इसलिए मैं बहुत तकलीफ़ में आ जाती हूँ, और फिर मैं हमेशा पापा को याद करती रहती हूँ। तो लोगों का काम ये है कि जिनके पापा नहीं होते ना, वो उनकी मामा को ऐसे बोलते हैं कि तुम्हारी बेटियाँ, तो बेटियाँ हैं, हम बेटे हैं अपनी मामा के, बेटी नहीं हूँ मैं अपनी मामा की। और जो बोलते हैं ना बेटा, जो बोलते हैं उनकी तरफ देखा करो, और उसके बाद बताया करो कि तुम यहाँ हो ही नहीं सकते थे अगर तुम्हारी माँ नहीं होती, तुम यहाँ खड़े ही नहीं हो सकते थे। तुम्हें पैदा करने वाली एक औरत होती है, तुम्हें पालने वाली एक औरत होती है। और एक बात और, ये जो आप लोग ना, ये मेरा मुझे थोड़ा इख्तलाफ है इस बात से ना, ये आप लोग जो आके नीचे ज़बरदस्त किस्म के कमेंट कर देते हैं ना, हाय ब्यूटीफुल, पता नहीं कौन कौन सा क्या, थोड़ा ख्याल करो। ट्रस्ट मी, खुदा ना करे अगर कोई आपके घर की किसी भी लड़की को इस किस्म की कोई बात लिखे और आपकी नज़र से गुजरे, तो आप क्या पसंद करोगे? अभी हो गया ना यार, कितना करोगे? ये बच्चियां बाहर निकलती हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं, छोटी हैं, दे नीड आर सपोर्ट। इतनी बकवास करते हैं हम, जाके पता नहीं इतनी चीज़ें लिख के लगाते हैं, इतने ग्रुप्स बनाते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, और अगर ऐसा वैसा हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे अगर अपनी बेटी की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, अगर अपनी बहन की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, अगर हम अपने और दुनिया की और ये देखो, मर्द को अब तैयार होना है, औरत को तैयार नहीं होना है। अब जब माएँ तरबियत करें तो लड़कों की भी तरबियत करें और सिखाएं उनको कि हाउ टू रिस्पेक्ट वुमेन। घर से तरबियत शुरू होती है। बहुत हो गया यार, बहुत हो गया। ये इसकी एज है 20 साल की, इसकी उम्र है यार, हो गई यार रेटिंग वेटिंग जितनी होनी है। ये कोई ऐसा कोई शो नहीं है जिसके अंदर इसको, और इसको क्लिप को भी मत लगाना, अगर मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ यार, कोई रेटिंग के लिए थोड़ी कुछ है ये चीज़। 20 साल की बच्ची अगर ये सोच रही है ना कि उसको इस माशरे में जीने के लिए दो मरतबा सोचना पड़ता है, तो फिर हमको अपने आप से सवाल करना है कि हम किधर खड़े हैं। वी नीड टू आस्क अ क्वेश्चन, एंड इट्स अ सीरियस क्वेश्चन। हम लोगों ने ठेका ले रखा है अच्छाई का, ये मुल्क बुरा है, वो मुल्क बुरा है, वो मुल्क बुरा है, वो मुल्क बुरा है। इधर बैठ के जलसा करते हैं, उसको अमरीका को सुनाते हैं, बातें सुनाते हैं, पैसा लेने अमरीका के पास ही जाते हैं। हमको अपने डबल स्टैंडर्ड खत्म करने पड़ेंगे। हम चाहते हैं पाकिस्तान में सब कुछ सही हो जाए, तो याद रखो कशकोल हमको तोड़ना पड़ेगा, चौक पे रख के कशकोल को तोड़ना पड़ेगा, इन बच्चों पे, मुझ पे, आप पे, हम सबको अपने आप पे ट्रस्ट करना पड़ेगा और आगे बढ़ के काम करना पड़ेगा, पाकिस्तान के लिए काम करना पड़ेगा। जब मुल्क में जरूरत पड़ेगी तो छोड़ के जाना नहीं है, इधर ही रहना है। हमारे बच्चे दुनिया में किसी से कम नहीं है, हमारी कौम दुनिया में किसी से कम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि हम एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर पाते। इस्लामी माशरा ना, जापान के अंदर जाके देखो क्या क्राइम रेट है। यहां सात जिस जगह हम खड़े हैं, 8 बजे के बाद यहां से लोग नहीं गुजर सकते। क्यों? सारी जिम्मेदारी हुकूमत या लोगों की नहीं होती, मुश्तरका होती है। हुकूमत को भी पाकिस्तान को ओन करना पड़ेगा और हमको भी ओन करना पड़ेगा। आ जाओ बेटा, आ जाओ, बहुत हो गया, आ जा यार, गेम्स कर लें। सित्रा गेम करें, पक्की बात है, कर लें। पहले मुस्कुरा के देखो जिमी के साथ। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।